The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Go! So, kya hota hai LASIK surgery? LASIK eye surgery, right? LASIK jo eye surgery hai, isme hum permanently चेंज कर रहे हैं आपके आंख के कॉर्निया का शेप, राइट? यानी कि ये कॉर्निया एक कवरिंग है जो आंख के फ्रंट के आगे है, राइट? एक कॉर्निया है, कवर है, क्लियर कवर है, राइट? ये लैसिक में क्या होता है, जब हम इसका शेप परमानेंटली चेंज कर रहे हैं तो शेप से आपकी विजन इंप्रूव होगी और आपका जो ग्लासेस, चश्मे पहनने की नीड है वो खत्म हो जाएगी, या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की नीड है वो खत्म हो जाएगी। तो लैसिक सर्जरी आपका चश्मा हटाने के लिए या कॉन्टैक्ट लेंसेज हटाने के लिए की जाती है। अब सॉरी, होता क्या है, क्लियर विजन के लिए, ये समझ, बेसिक समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे, ठीक है? बेसिक नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता। तो बेसिक क्या है, बेसिक यह है कि विजन सही रहे, क्लियर रहे, उसके लिए आईज का कॉर्निया मतलब एक तरीके का कवर है और उसके पीछे एक लेंस है, राइट? ये कॉर्निया और ये लेंस मान के चलो। सो कॉर्निया और लेंस को एक साथ रिफ्रैक्ट करना होता है लाइज को प्रॉपरली, ताकि जो इमेज है वो आपके आंखों के पर्दा, जो पीछे पर्दा है उस पर फोकस हो। अगर पर्दे पे फोकस नहीं होगा तो इमेज ब्लरी आएगी, क्लियर नहीं आएगी, ब्लरी आएगी। ये चीज उनको पता हो सकती है जो चश्मे पहनते हैं। अगर हम चश्मा ज्यादा दूर, ज्यादा उल्टा सीधा, ज्यादा टेढ़ा रखेंगे तो ब्लरी विजन आएगी, क्योंकि एक चश्मा एक थर्ड रिफ्रैक्टिव, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस बन जाता है हमारे लिए। नॉर्मली आपके पास में दो है, कॉर्निया और लेंस। ब्लरीनेस जो आती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर, जिसको करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाया जाता है या फिर लेंस लगाया जाता है। ये कब होता है, जब भी कॉर्निया के या आई के शेप में प्रॉब्लम होता है। शेप में प्रॉब्लम होगा तो रिफ्रैक्शन या तो पर्दे से पीछे गिरेगा या तो पर्दे से आगे गिरेगा, ऐसा होता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए लैसिक सर्जरी की जाती है। लैसिक क्या होता है, इसमें एक एक्सीमर लेजर इस्तेमाल होता है, अपने आप में एक अल्ट्रावायलेट लेजर है मान लीजिए, और ये क्या करता है, एक छोटा सा लेयर हटा देता है कॉर्निया के टिश्यू से, छोटा लेयर हटा देता है, और इससे कॉर्निया को का जो कर्वेचर है वो कम कर सकते हैं। तो कर्वेचर कम होगा तो क्या होगा, कर्वेचर से जो और पास गिरेगा, या कर्वेचर कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो उससे फोकस जो है रेटाइना पे डाल सकते हैं जैसे हमें चाहिए, तो आगे भी कर सकते, पीछे भी कर सकते, रेटाइना फोकस ला सकते हैं, और इससे लेकिन हम कॉर्निया को थोड़ा पतला कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी होगी। कॉर्निया आपके आंखों के आगे का जो लेंस के आगे का कांच का लेयर है वो है, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट लेयर, कांच नहीं है, राइट? लैसिक एक आउट पेशेंट ऑपरेशन है जो कि एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर डायरेक्ट कर देता है, 10-15 मिनट लगते हैं उसको ऑपरेशन करने के लिए, और सिंपल एनेस्थेटिक यूज होता है, आई ड्रॉप, टप टप आई ड्रॉप डाला जाता है, खच खच काट दिया जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, पता भी नहीं चलता आपको, मतलब पता तो चलता है बट इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता, और आप जागे हुए रहते हैं, आपको बेहोश नहीं किया जाता है, और आपको लैसिक करने दोनों आंख में करा जाएगा ऑब्वियसली एक ही बार में, और ऑपरेशन करने से पहले आपके एक फ्लैप बनाया जाता है कॉर्नियल टिश्यू का, वो फ्लैप को पील करके, राइट? सो पील करके क्या होता है, लेजर से शेप दिया जाता है कॉर्नियल टिश्यू को अंदर, पहले तो एक ढक्कन खोला जाता है कॉर्निया का टक, फिर अंदर से शेप दिया जाता है, फिर बंद, फिर ढक्कन बंद कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा सिस्टम है, आप एनिमेशन में अपने आप जाके वीडियो ढूंढ के देख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? सो कॉर्निया लैसिक सर्जरी ये है। जब पहली बार लैसिक सर्जरी की जाती है सो एक ऑटोमेटेड स्पेशल नाइफ एक यूज होता है, जिसको माइक्रो किरोटोम भी कहते हैं, वो जो पहले यूज होता तब यूज करते थे, अब लेकिन वो यूज नहीं करते, अब जो लोग यूज करते हैं लेजर यूज करते हैं, जो कि फेमटो सेकेंड लेजर है, जो कॉर्नियल फ्लैप यूज होता है, अभी की बात नहीं। बाकी कॉर्निया टिश्यू जितना रिमूव करना है वो कैलकुलेट किया जाता है पहले ही, कि भी आपका लेंस पे, रेटाइना पे गिरने के लिए
क्या रिफ्रैक्शन चाहिए उसके हिसाब से आपका ऑपरेशन होता है, ताकि उसके उसके लिए ऑब्वियसली आपके ग्लासेस चाहिए होंगे कि कितने नंबर के ग्लासेस हैं, आपका वेव फ्रंट टेस्ट होता है जो मेजर करता है कि आपके आंखों से जो 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 वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही हैं, और आपके आँख का कॉर्निया का शेप शेप सरफेस का शेप देखा जाता है, राइट। जब आपका रीशेपिंग हो जाता है तो सर्जन क्या करता है, उस फ्लैप को बंद कर देता है, उसमें कोई टाके मारने की जरूरत नहीं, बंद करो, अपने आप नेचुरली होल्ड कर लेता है, राइट। सो ऑपरेशन कौन कौन करेगा, जिस जिसको भी ज़्यादातर ये ऑपरेशन होता है नियर साइटेडनेस में, राइट। मोस्ट ऑफन ये उन लोगों पे लिए किया जाता है जो नियर साइटेडनेस मायोपिक होते हैं, राइट। लेकिन फार साइटेडनेस पे भी करा जा सकता है और एस्टिग्मेटिज्म पे भी करा जा सकता है, जिनको दूर का क्लियर नहीं दिखता, जिनको पास का क्लियर नहीं दिखता, जिनको एकदम उल्टा सीधा एस्टिग्मेटिज्म है, उसमें भी किया जाता है, एक आँख में दूसरे आँख में अलग अलग। सो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें जाननी है, और कुछ गाइडलाइंस हैं जो इसके बारे में फॉलो होनी चाहिए, जैसे कि आपको कम से कम 18 साल की उम्र का होना है, और कुछ केसेस में 21 साल की, ऐसा नहीं कि बच्चों का आँख खराब है चलो लैसिक कराएं, ऐसा नहीं होता, 18, क्योंकि आँख का नंबर चेंज होता रहता है। सो 18 साल की उम्र का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी यंग एज में अगर चेंज हो गया, एक बार लैसिक कराया फिर चेंज हो गया फिर लैसिक कराया, क्या कॉर्निया छीलते जाओगे, ऐसा नहीं करना पड़ता। सो इसीलिए उसको एक 18 साल की उम्र के बाद करना पड़ता है, और कुछ लोगों को रेयर केसेस में अगर डॉक्टर डिसाइड करे कि भाई बहुत ही ज़्यादा नियर साइटेड है बच्चे को, तो उसको नॉर्मल, एक आँख नॉर्मल है और एक नियर साइटेड है, तब भाई कर सकते हैं कि ऐसा है कि ये क्या बैलेंस है, इसको तो ये आँख काम की नहीं है, इसलिए वो कर सकते हैं, राइट। सो इस चीज़ का आपको समझना पड़ेगा, फिर नहीं तो क्या होगा, एक आँख लेजी हो जाएगी, एक आँख में काम ही नहीं हो रहा, दूसरी नॉर्मल है, एक बहुत ज़्यादा गड़ खराब है, तब वो बच्चों में भी किया जा सकता है, वरना नहीं। सो उसके बाद में आईज को नॉर्मली हेल्दी होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन स्टेबल हो, मतलब कोई दवाई के बेसिस पे नहीं चल रही हो, वो इम्पॉर्टेंट है आईज का, राइट। और उसके अलावा आप क्या जो प्रिस्क्रिप्शन रेंज है, राइट, कि एक लैसिक सर्जरी की भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि वो कितने भी नंबर को करेक्ट करके जीरो ले आएगा, हरे कोई भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर का जो लेंस होगा, चश्मा होगा, उसको हटा देगा, ऐसा नहीं है, उसकी लिमिट है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो आपके चश्मे का नंबर है वो उस रेंज में आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वो हर एक डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा कि भाई इतने रेंज में मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, सो यू कैन गो एंड चेक विथ योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और आपकी नॉर्मल जनरल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, कि जो लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको कोई हर्पीज़ इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किसी को कैटरैक्ट है, तो उनको भैया लैसिक सर्जरी नहीं कराई जाती, राइट। और इसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी समझना है कि या तो आप चश्मा पहनेंगे या चश्मा नहीं पहनेंगे एक बार, राइट। एक्सपेक्टेशन भी आपको रियलिस्टिक रखनी है, ऐसे नहीं कि भाई नॉर्मल से ज़्यादा खतरनाक आई हो जाएगी आपकी, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। और जिस पर्सन को कोई एक प्रेस बायोपिया करके और एक बीमारी होती है वो है, तो वो लैसिक से करेक्ट नहीं हो सकती, जिनको है वो समझते होंगे, राइट, कि ये क्या है बेसिकली। अब बात आई कि इस सर्जरी के रिस्क क्या है। अब रिस्क में समझिए, ये सर्जरी प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तब तो करनी नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कोई दवा ले रहे हो, कोई किसी प्रकार की आँख में दवा डाल रहे हो, एक्यूटेन, प्रेडनिसोलोन, कोई भी डाल रहे हो, पाउडर, या फिर धड़कन की, दिल की दवा, तो भी नहीं करानी चाहिए। रिस्क हो सकते हैं इसमें कॉर्नियल इन्फेक्शन हो सकता है, कॉर्निया में जो काट रहे हैं उसमें स्कार टिश्यू बन सकता है, या कॉर्निया का शेप परमानेंटली कभी कभी डैमेज हो जाता है, तो उसको इम्पॉसिबल हो जाता है कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। सो एक कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, ऑल्दो रिस्क कम होता है, 1-2% कम लोगों को होता है, एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन रिस्क पॉसिबल है, राइट, वो समझना जरूरी है। आंखें ड्राई रह सकती है, कभी कभी लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, कभी आपका रात को ड्राइविंग, नाइट ड्राइविंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाल या पिंक कलर के पैचेस आ सकते हैं, वो टेम्पररीली आते भी हैं, सो फिर ठीक हो जाते, कई बार विजन जो है रिड्यूस हो सकता है,
ये आपको याद रखना है। और कई बार स्क्रैचीनेस भी आ सकता है और ऑपरेशन खराब हो जाए तो फिर आँख को विजन लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सेफ है और एक्सपेरिमेंट करे जाओ, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेसर टू पर्सन। आपको लग रहा है आपको नीड है तो आप कराओ, नहीं नीड है तो मत कराओ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोसीजर के बाद में आपको थोड़ी बहुत बर्निंग, थोड़ी बहुत इचिंग, थोड़ी बहुत फीलिंग हो सकती है आँखों में, वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती है। और आँख में जो पैच वैच लगा के रखते हैं वो थोड़े देर के लिए रखते हैं, उसको ओवरनाइट रख सकते हैं। और इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आँख को रब ना करें, आँख को रब नहीं करना है, वो डॉक्टर आपको ऑब्वियसली बताएंगे। और कुछ दवाएं आपको, कुछ सेडेटिव आपको दी जाएगी, थोड़े दिन के लिए ब्लरी रहती है, 1-2 दिन के लिए, और ब्लरी रेस जो है 1 दिन के बाद आराम से ठीक हो जाती है उस आँख में। सो ये बेसिक चीज़ है। आपको क्या क्या नहीं करनी है, विजन जब तक ठीक नहीं हो जाती है, आपके डॉक्टर सेफ नहीं बोलते तब तक स्विमिंग नहीं करनी है, हॉट टब्स में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं खेलना है, राइट, कोई लोशन क्रीम आई के ऊपर कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लगानी है, राइट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलने हैं जब तक आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको क्लियर उसके लिए परमिशन ना दें, वेरी वेरी। और 24-48 घंटे के बाद आके आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है लैसिक्स ऑपरेशन के बारे में के बाद। सो लैसिक ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है और पूरी तरह से मान लीजिए विजन को स्टेबलाइज होने में 3-6 महीने लग जाते हैं। और बहुत कम परसेंटेज लोगों को सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जब विजन पूरी तरह से करेक्ट नहीं हुआ एग्जैक्टली, और बहुत ही कम लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन पॉसिबल होता है इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। बहुत कॉमन है, बहुत सब लोगों को करा जाता है, राइट, ज़्यादातर लोगों का कितने का है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है, माला माइक नहीं तुम्हें जाऊँ, मतलब मुझे नहीं पता कितने का है, या आप पता कर सकते हो अपने लिए हर एक केस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैसिक सर्जरी, राइट, लैसिक्स एंड अदर थिंग। तो अगर कोई सवाल है लैसिक के बारे में जो इनमें कवर्ड नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। ओके, थैंक यू।